क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क बारी अपना पंचायत का समय जनन का प्रणाम करी थे। भारत देश में यदि हालात देखे जाए तो उन्नाव हैदराबाद कांड के बाद कहों कहों हर भारतीय आक्रोशित है, आक्रोश के कारण जल रहा है। वह में सीधी के रामपुर नैकिन में जो गैंगरेप की घटना भय वह मासूम युवती के साथ चार दरिंदन के द्वारा गैंगरेप का अंजाम दीनगा। हालांकि पुलिस के द्वारा उचरहू आरोपी का गिरफ्तार कर लीनगा है और उनका जेल में भेज दीनगा है, किंतु अबे सीधी के जनता जल रही है। जल ऐसा रही है कि आज सीधी में कुछ सामाजिक संगठन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा एक बड़ी विरोध के बात सामने आई है। उनके द्वारा खुलेआम इचरहू आरोपी का फांसी के सजा के मांग की गई। अपना का बताया थी कि यह पूरे मामला में आज सुबह 12 बजे से गांधी चौराहा जो सीधी के मुख्य चौराहा है वहाँ या छोट छोट बच्ची और सामाजिक संगठन इकट्ठा भें जो उन हाथ में बैनर और पोस्टर लेके या रामपुर गैंगरेप कांड जो भा ओ मां दोषी आरोपी की तिर कड़ी से कड़ी और फांसी के मांग की जाए लाग। साथ ही मां सीधी मां पुलिस के लाचार व्यवस्था और जिला प्रशासन के लाचार व्यवस्था का उनके द्वारा यह कहा गया कि कमर कस लीन जाए। अब यदि कोनो यह में घटना या कोनो बच्ची के साथ हैवानियत हुई तो ओ मां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सीधा सीधा दोषी हुई जौने कर लेके यह पूरा घटनाक्रम भा। दोनों संगठन जो है एकता समाज सेवा संगठन और दूसर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में भागीदारी करी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मांग रही कि जो शिक्षिका के साथ प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षिका अध्यापन के कार्य कराबर रही उनके साथ ये पूरी वारदात का अंजाम दीनगा। तपनक बताया दी कि उन्हों के द्वारा मांग की गए कि वो का आरोपी का कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा अजय मिश्रा के द्वारा यह कहा गया कि स्कूल संघ जो है वह बच्ची के वह युवती के मदद करी और कुछ आर्थिक संगठन आर्थिक रूप से उनका मदद करी। साथ में जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार से परिवार का उक्त परिवार का मदद के मांग करी। साथ ही अपना बताया दी कि यह पूरा घटनाक्रम आज शाम 5 बजे तक चला जो ने माँ दुरहू संगठन के द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा जिला कलेक्टर सभागार माँ कार्यालय प्रांगण में नायब तहसीलदार का ज्ञापन सौंपा गया। देखी रिपोर्ट सुनी बयान। धन्यवाद। आज आप लोग ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है आप लोग की और क्या चाहते हैं आप लोग? बहुत ही दुखद घटना है और महिला जाए तो जाए कहाँ, लड़के जाए तो जाए कहाँ। अभी हैदराबाद में कांड हुआ, इसके बाद भी उन लोग को शर्म नहीं लगी है और इतनी जल्दी फिर से दूसरा इन्होंने कांड कर दिया। पूरा देश असुरक्षित है और कोई भी लड़की स्कूल कोचिंग कहीं भी जाए सुरक्षित नहीं है। इसकी मैं तो यही चाहूँगी, मेरी यही मांग है कि जो ऐसा गलत काम करे उसको सीधे नपुंसक बना दिया जाए और छोड़ दिया जाए। उसको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, वो मर जाएगा क्या मतलब, यदि नपुंसक रहेगा चार लोग उसको उसकी तरफ उसकी नज़र जाएगी, देख के शर्म लगेगी और दूसरा भी ये काम करने से डरेगा। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन था और क्या मांगे हैं आप लोग? ज्ञापन ये था कि भारत देश में और हमारे देश में ही जो बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उसके प्रति हम चाहते हैं कि जो भी अपराधी हो उसको सजा कठोर से कठोर दंड मिले ताकि अगला व्यक्ति करने से पहले 100 बार सोचे और माँ बाप भी निश्चिंत होकर के अपने बच्चियों को पढ़ा सके। मेरी खुद की बच्चियाँ हैं, मेरे घर में जितनी बच्चियाँ हैं जिस दिन ये मैंने सुना उस दिन मैंने सब बच्चियों को इकट्ठा करके कहा यदि तुम्हें कोई छूता है या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है जो पाओ जो चीज़ पाओ कुछ भी उसको मारो, बाकी फिर हम देख लेंगे। धन्यवाद। ये आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है कलेक्ट्रेट में, क्या मांगे हैं आपकी और क्या क्या समस्या क्या है? समस्या ये है भैया कि हम लोग जैसे रात रोत में या फिर कहीं भी कुछ निकलते हैं तो लड़कों से छेड़छाड़ वगैरह और लड़कों जो ये दुष्कर्म हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें सरकार और जो भी प्रशासन उसमें सहयोग करें और सरकार अच्छे से अच्छे कानून बनाकर हम लोग को सुरक्षित करें। हम बेटे आखिर सभी जितनी भारत देश में बेटियां हैं सुरक्षित हो, यही घटना है हम सबको आगे बढ़ने। रामपुर में जो ये घटना हुई है और दुष्कर्म का जो ये मामला सामने आया है, ऐसी घटनाएं केवल चुरहट क्षेत्र में सीधी जिले में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं और इस संबंध में कोई कठोर कार्यवाही तत्काल नहीं हो पा रही है। नियम के चक्कर में, कानून के चक्कर में, कोर्ट के चक्कर में पूरा समय व्यतीत हो रहा है, अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है उस संबंध में कि कठोर से कठोर कार्यवाही हो, फांसी की सज़ा हो और अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 सप्ताह के भीतर अगर इस तरह की कठोर कार्यवाही नहीं की जाती तो
तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, इसके लिए हमने शासन को चेताया। आज आप लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है बीथिका परिसर में, और स्कूल संघ जो है प्राइवेट स्कूल संघ आज धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या मांगे हैं और क्या ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने? 5 दिसंबर को एक महिला शिक्षक के साथ बलात्कार हुआ, ऐसी सूचना हम लोगों को मिली। तो हम लोग अपने एसोसिएशन की मीटिंग कर करके मांग कर रहे हैं कि दोषी को पकड़ा जाए, पीड़िता को शासन द्वारा उसके जो भी लाभ हैं दिए जाए, पीड़िता को परिजन से मिलाया जाए। अभी तक पीड़िता के परिजन ठीक से मिल नहीं पाए हैं, वो भी निश्चेतनावस्था में तो नहीं है, लेकिन वो अभी माँ बाप से अपनी सही जानकारी नहीं बता पा रही है और उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं दिया गया। पीड़िता के पिताजी भी हम लोगों के साथ में हैं, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, और हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इनको न्याय दिलाया जाए, इनको आर्थिक राहत भी दी जाए, पिछड़ा वर्ग से भी जो इनको मिलना है वो दिया जाए। हम लोग भी अपने संघ से भी कुछ कर रहे हैं, और अपराधियों को कठोर सजा दी जाए, अन्यथा अगर ये कठोर सजा नहीं दी जाती तो हम लोग भी आगे भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पे आवेदन दिया है, धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला और क्या मांगे हैं आप लोग की? पहली मांग तो यह है कि जिला प्रशासन और राज्य शासन से भी वो, चूँकि पीड़िता विक्टिम जो है पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से है, तो एक तो पहली प्राइमरी फेसी उसे तत्काल सहायता राशि मिलनी ही चाहिए। दूसरा ये है कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ और साथ ही साथ आर्थिक सहायता, और एक बड़ी विचित्र बात यह है कि अभी तो लिखित में कोई संज्ञान में बात नहीं आई है, लेकिन उसके पीड़िता के पिताजी बता रहे हैं कि उनको तरह तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं कि अगर आपने केस विड्रा नहीं किया और कुछ ऐसा किया तो अभी हम लोग 5 लोग हैं, अभी हमारा पूरा 165 लोग हैं, तो कुछ इस तरह के दबाव भी बन रहे हैं। FIR की अभी प्रॉपर कॉपी भी इनके पास नहीं है, पूछने पर पता चला है। तो जो शासन प्रशासन की जो नीतियां हैं, उनसे जो योजनाएं हैं, उन हितग्राहियों को जो लाभ देना है, उसमें खास तौर से महिला सशक्तिकरण है, महिला बाल विकास है, आदिम जाति कल्याण विभाग है, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, और राजस्व विभाग से भी पीड़िता के लिए, विक्टिम के लिए ऐसे रेप केसेस जो अगर FIR हुए हैं तो उनके रेप केसेस के लिए जो अनुदान भी है, सहायता भी है, और उसके विक्टिम के लिए जो FIR हुई उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने की मांग किया है। अभी हम लोग तो इसमें है कि ऐसे लोगों को खासतौर से कानून को पूरी शक्ति के साथ, पूरे तवज्जो के साथ इसमें रूप लेना चाहिए और उसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मैं तो कहता हूँ उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। क्या ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे हैं शिक्षक संघ की? शिक्षक संघ की मांगे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हैं, और जो पीड़िता हैं उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, हमारा शिक्षा समाज है, आपको करना चाहिए, जैसे अपराधियों को दंडात्मक कार्रवाई था, जो पीड़िता है उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता मांगे। नहीं, अभी पीड़िता के परिजनों को नहीं मिलने दिया जा रहा है पीड़िता से, ये भी कुछ इस संबंधित भी मांगे मांगी गई हैं? कार्रवाई कर रही है पुलिस, हमारी कार्रवाई कर रही है, उसके आधार पर होगा, हम इसे जाँच करवा के तो मतलब मिलाने की कोशिश करेंगे, है ना? क्या नाम है सर आपका? मेरा आईडी साकेत नाम है, मैं तहसीलदार हूँ।